मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ये लाइन उन लोगों के लिए है जो इम्तिहान देने वाले हों, लेकिन बॉलीवुड की नजर में इस लाइन के मायने थोड़े से अलग हैं। यहाँ इस लाइन को कुछ इस तरह से बोला जाता है कि प्यार इतनी शांति से करो कि आपकी शादी शोर मचा दे। हम यहाँ इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के कई स्टार्स के प्यार की पब्लिक डोमेन में चर्चा ही नहीं रही, लेकिन एकाएक उनके साथ फेरे हो गए। वहीं कई स्टार्स ऐसे रहे जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार चार शादियों का रिकॉर्ड बना दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क एंटरटेनमेंट। आज के वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड के सात ऐसे स्टार्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं किशोर कुमार। किशोर कुमार एक्टिंग और गायकी के उस्ताद थे। राजेश खन्ना, सुनील दत्त जैसे अभिनेताओं को उन्होंने स्टार बनाया। टीवी पर हंसते खिलखिलाते दिखे, लेकिन असल जिंदगी में वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें प्यार की तलाश थी और कई लोगों में उन्हें प्यार भी दिखा। उन्होंने चार शादियां की, लेकिन किसी के साथ भी उनकी दिल लगी नहीं हुई। किशोर दा ने सबसे पहले 1950 में बंगाली एक्ट्रेस रूमा गुहा ठाकुरता से शादी की। ये शादी 8 साल तक चली, जिसके बाद 1960 में किशोर दा ने बला की खूबसूरत मधुबाला से शादी की। 9 साल बाद मधुबाला की डेथ हो गई, जिसके बाद किशोर कुमार ने बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की। ये शादी 7 साल तक चली और उसके बाद इन दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद साल 1980 में किशोर दा को बॉलीवुड एक्ट्रेस लीना चंदारवरकर से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के 7 साल बाद ही किशोर कुमार की मृत्यु हो गई। इस लिस्ट में अगले स्टार हैं संजय दत्त। बॉलीवुड के संजू बाबा की लव स्टोरी के कई किस्से आपने सुने होंगे और आपको मिल भी जाएंगे। उन्होंने भी अभी तक 3 शादियां की हैं। संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी। 1996 में ट्यूमर के कारण उनकी मौत हो गई। इसके बाद साल 1998 में संजू बाबा ने मॉडल रिया पिल्लई से शादी की, लेकिन 2005 में दोनों का तलाक हो गया। उसके बाद साल 2008 में संजू बाबा ने मान्यता दत्ता से शादी की और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं। हमारी इस लिस्ट में अगले स्टार हैं कमल हासन। कमल हासन ने पहली शादी 1978 में क्लासिकल सिंगर वाणी गणपति से की थी। 10 साल बाद ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद कमल ने फिर एक्ट्रेस सारिका से शादी रचाई। उनकी 2 बेटियां श्रुति हासन और अक्षरा हासन हैं, लेकिन 2004 में सारिका और कमल हासन अलग हो गए, जिसके बाद वो एक्ट्रेस गौतमी के साथ लव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अफवाह तो ये भी थी कि इन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया। साल 2016 में दोनों अलग हो गए। इस लिस्ट का अगला नाम है बॉलीवुड के जाने माने चेहरे सिद्धार्थ रॉय कपूर का। सिद्धार्थ की पहली शादी उनकी बचपन की दोस्त आरती बजाज से हुई थी। इसके बाद इन्होंने टेलीविजन प्रोड्यूसर कविता से शादी रचाई, लेकिन ये शादी भी सफल नहीं हो पाई। साल 2008 में दोनों अलग हो गए। उसके बाद दिसंबर 2012 में उन्होंने विद्या बालन से शादी की। हमारी इस लिस्ट में अगले स्टार हैं कॉमेडी किंग महमूद के बेटे लकी अली। लकी अली ने पहली शादी 1996 में न्यूजीलैंड की रहने वाली मेघन जैन से की थी। इनके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन कुछ समय बाद ही किसी वजह से दोनों अलग हो गए। पहली पत्नी से अलग होने के करीब 4 साल बाद लकी अली की मुलाकात पर्शियन महिला अनाहिता से हुई थी। अनाहिता को देखते ही लकी को प्यार हो गया। अनाहिता ने लकी से शादी करने के लिए अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल लिया और अपना नाम इनाया रख लिया। इनाया और लकी के 2 बच्चे हुए। लकी की दूसरी शादी भी ज़्यादा चल नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद लकी को फिर प्यार हुआ और हैरत होगी कि इस बार उनकी ज़िंदगी में आई ब्रिटिश मॉडल कैट एलिजाबेथ। कैट जब लकी से शादी कर रही थी तो उस समय वो 25 साल छोटी थी लकी से, लेकिन प्यार का सुरूर ऐसा कि उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। खैर, कैट ने भी लकी से शादी के बाद अपना नाम आयशा अली रख लिया, लेकिन ये शादी भी जल्द ही टूट गई। साल 2017 में दोनों अलग हो गए। लकी और कैट का एक बेटा है। हालांकि लकी अली अब 64 साल के हो गए हैं, लकी फिलहाल अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है शाहिद कपूर की माँ नीलिमा अजीम का। इस एक्ट्रेस की पहली शादी साल 1975 में पंकज कपूर से हुई थी। इनका एक बेटा हुआ, जिसे दुनिया आज शाहिद कपूर के नाम से जानती है। हालांकि शाहिद कपूर
की शादी के 3 साल बाद ही यानी 1984 में दोनों का तलाक हो गया। नीलिमा अजीम की दूसरी शादी 1990 में एक्टर राजेश खट्टर से हुई, जिनसे ईशान खट्टर पैदा हुए। 2001 में राजेश खट्टर से भी उनका तलाक हो गया। उसके बाद नीलिमा ने रजा अली खान से तीसरी शादी की और ये शादी भी 2004 से लेकर 2009 तक ही चल पाई। हमारे इस लिस्ट के अगले स्टार हैं कबीर बेदी। कबीर बेदी ने अभी तक 4 शादियां की हैं। उनकी पहली शादी 1969 में बंगाली डांसर प्रतिमा बेदी से हुई थी। बाद में 1974 में उनका तलाक हो गया था। एक्टर की दूसरी शादी ब्रिटिश मूल की फैशन डिजाइनर सुशान हम्फ्रिस से हुई थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया और फिर उन्होंने 90 के दशक में टीवी प्रेजेंटर निक्की से शादी की, जो कि ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। अब उन्होंने 71 साल की उम्र में अपनी गर्लफ्रेंड परवीन दुसांज से 4th शादी रचा ली है। बॉलीवुड की शादियों की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर इस लिस्ट में कोई एक्टर छूट गए हैं तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।